जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेवेनेस्ट न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अल्लाह के नबी और सहाबा साहबियार जान लगा दिए, क्योंकि अल्लाह का वादा था ये चार काम कर लो इस जमीन का मैं तुम्हें बादशाह बना दूंगा। तुम नेकी की दावत दो, बुराई से रोको, नमाज और ज़कात कायम करो, इस जमीन का तुम्हें बादशाह बना दूंगा। अबू जहल हसराए हंसने दो, उमैया बिन खल्फ हसराए हंसने दो, अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे हंस रहे हंसने दो, वलीद बिन मुगैरा हसराए हंसने दो, हिंदा भी ईमान नहीं लाई थी हंस रही हंसने दो। तुम अमल करो, मैं जमीन का बादशाह बना डालूंगा। अल्लाह के नबी और सहाबा ने अमल किया, 40 सालों के अंदर अल्लाह ने 55 ममालिक का बादशाह बना दिया। सूरह मोमिनून में अल्लाह ने वादा फरमाया, आप तमाम मुसलमान, अल्लाह के नबी आप और आपके साथ के मुसलमान और खयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए अल्लाह का वादा है, मुझसे और आपसे अल्लाह का वादा है, वादल्लाहि हक, अल्लाह का वादा सच्चा है। क्या वादा है? तुम नमाज कायम करो, तुम जकात कायम करो, तुम नेकी का हुक्म दो, तुम बुराई से रोक दो। पांचों वक्त दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम अव्वल वक्त में नमाज पढ़ लो। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के रसूल जमीन का सबसे बेहतरीन अमल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। फिर पूछा गया, अल्लाह के नबी जमीन का सबसे दूसरा बेहतरीन अमल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त होते ही नमाज पढ़ लेना, अव्वल वक्त में। देर से नमाज पढ़ना, वक्त टलने का इंतजार करके नमाज पढ़ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुनाफिकों की निशानी है। इंतजार में बैठे रहता है, वक्त खत्म होना रहता है, जब उठकर कव्वे की तरह चार ठोंगे मार लेता है। देर से नमाज नहीं, अव्वल वक्त में नमाज। जमीन का दूसरा सबसे बेहतरीन अमल नबी सल्लम की जुबान से अल्लाह ने हुक्म दिया, तुम नमाज कायम करो, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ लो। जुमे की फजर अल्लाह की नजर में सबसे बेहतरीन नमाज है पूरे हफ्ते में। आज जिसने पढ़ी, अल्लाह ताला के सबसे बेहतरीन अमल को उसने कर लिया, अल्लाह के हुक्म के बेहतरीन अमल को उसने कर लिया। आज जिसने नहीं पढ़ी, अल्लाह की हिफाजत से निकल गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तू फजर की नमाज अगर पढ़ लिया जमात से, अल्लाह की पनाह में है। अगर नहीं पढ़ा, अल्लाह की पनाह के बाहर है। अक्सर लोग मुझसे बोलते, लियाज भाई फलानी जगह फलाने बच्चे को मारा गया, फलानी जगह फलाने बुजुर्ग पर हाथ उठाया गया। मैं इतना ही पूछता हूं, क्या उनकी फजर की नमाज जमात से हुई थी? अगर हुई थी, अल्लाह की हिफाजत में रहने वाले थे। अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज कायम करो, सूरह मोमिनीन क्या है, जकात कायम करो, अमीरों से माल लेकर गरीबों में दो, सोसाइटी से गरीबी को खत्म करो, कर्जे को खत्म करो, परेशानी को खत्म करो, बहरानगी को खत्म करो, मिस्कीनियत को खत्म करो, मजबूत करो लोगों को। अल्लाह के नबी और सहाबा ने अमल किया, 30 साल के अंदर पूरे मदीने और मक्का में कोई गरीब नहीं बचा। हमारे पास ना नमाज का एहतमाम, ना जकात का एहतमाम। तीसरा अमल, नेकी का हुक्म दो। अल्लाह के नबी और सहाबा इस पर लग गए, बुराई से रोक दो, तौहीद की दावत दो, शिर्क से रोको। इलाह हुआ है तुम सबका इलाह एक अल्लाह है, इन्ननी अनल्लाह फअबुदू, कह दो मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ने फरमाया मैं ही तुम्हारा रब हूं अल्लाह, और मेरी इबादत करो सिर्फ। ये ऐलान करना है। और जानवरों, पत्थरों, मूर्तियों, सूरज चांद तारों, इंसानों की पूजा से रोकना है, एक रब की इबादत की दावत देना है, एक रब की। अल्लाह के नबी और सहाबा साहबियार
जान लगा दी है, क्योंकि अल्लाह का वादा था ये चार काम कर लो इस जमीन का मैं तुम्हें बादशाह बना डालूंगा। You will be the king of the land if you establish prayer, establish zakah, invite for what is right, forbid what is wrong. तुम नेकी की दावत दो, बुराई से रोको, नमाज और zakat कायम करो, इस जमीन का तुम्हें बादशाह बना डालूंगा। अबू जहल हसराए हंसने दो, उमैया बिन खल्फ हसराए हंसने दो, अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे हंस रहे हंसने दो, वलीद बिन मुगैरा हसराए हंसने दो, हिंदा भी ईमान नहीं लाई थी हंस रही हंसने दो, तुम अमल करो मैं जमीन का बादशाह बना डालूंगा। अल्लाह के नबी और सहाबा ने अमल किया, 40 सालों के अंदर अल्लाह ने 55 ममालिक का बादशाह बना दिया। मदीने से उठे, मक्का से उठे तो दिल्ली तक, दिल्ली से लेके ग्रेनाडा स्पेन तक, स्पेन से लेके नॉर्थ अफ्रीका तक, सहाबा 3 कॉन्टिनेंट्स पर हुकूमत कर रहे थे। 55 ममालिक क्यों भाई? अल्लाह का वादा था, मुल्क को खुद के बचाए, पूरी दुनिया को बर्बादी से बचाए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमाल जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरापी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।